हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ घी, जो कि दूध की मलाई से बनाई जाती है। आप लोग को भी पता है, मैंने ये स्टोर करके रखा था। 1 वीक की ये मलाई है जो कि फ्रिज में था। तो ये देखिए मैं कितने अच्छे से इसे मथ रही हूँ कढ़ाई में। और अगर इसमें से मलाई ना निकले तो आप इसमें ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं या फिर बर्फ़ भी। तो ये देखिए, या उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे कढ़ाई में ही रख दिया है लो फ्लेम करके गैस पे। और ये धीमी आंच पे बहुत ही अच्छी पकेगी और इतनी अच्छी सौंधी खुशबू आएगी, जो कि ये मार्केट में बिल्कुल भी नहीं ऐसी घी मिलती है। सिर्फ घर में ही मिल सकती है, घर में बनाने के बाद ही मिल सकती है, माँ के हाथ की मिल सकती है या फिर आप अपने हाथ से बना रहे हैं तो मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी है सेहत के लिए। आप लोग भी बनाए, जो थोड़ी थोड़ी मलाई घर में निकलती है उसे आप स्टोर करती जाएँ 1 वीक, उससे ज़्यादा नहीं स्टोर करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी ख़राब होने लगती है। तो ये देखिए मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ और घर का दूध हो जाता है, घर का मक्खन हो जाता है, घर का घी हो जाता है। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। उसके बाद फिर आप इसे किसी भी कंटेनर में, ध्यान रहे किसी स्टील के कंटेनर में या फिर किसी शीशे के बर्तन में आप रख सकते हैं और ये कभी ख़राब नहीं होती। इसे आप चम्मच से यार निकालिए, खाइए घी के साथ, रोटी के साथ, बहुत ही अच्छी है सेहत के लिए। मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ। आप लोग कैसे निकालते हैं या फिर किस तरह आपका प्रोसेस कैसा है आप ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।